बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको मैं वेलकम बैक करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नोमीज वर्ल्ड पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पैनल्स को ना हमने जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने इनको लगाना है नॉर्थ से लगाना है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ से सॉरी साउथ की तरफ लगाना है। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, सुबह सुबह ही सुबह सुबह का वक्त है और मौसम भी काफ़ी कमाल का बना हुआ है। माशाल्लाह अभी सूरज यहाँ पे है। तो सुबह सुबह मैं उठ के आ चुका हूँ, अभी 7 बजे। तो अभी इनको ना सब पैनल्स को ना एक इधर वाली छत पे इन सबको अरेंज करेंगे, इधर को इस वाली जानब, ठीक है ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको यहाँ से ना जो कंक्रीट बड़ी हुई है ना, ये ज़्यादा भी है कहीं कम है, तो इन्हें तोड़ेंगे फिर इन्हें अरेंज करेंगे एक साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ थोड़ी और छैनी। तो अभी इन्हें तोड़ते हैं और फिर इन्हें एक तरफ अरेंज करते हैं इंशाल्लाह। इन पैनल्स को ना मतलब एक जगह दूसरी जगह अरेंज करने का मतलब यहाँ से उधर को अरेंज करने का एक मतलब यही है कि सारे पैनल जो है ना एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जो उधर वाली छत है ना वो सारी खाली हो जाएगी। मतलब जिस तरह आप सारी छत पर ना गंद डाला हुआ है, मतलब हर जगह सुबह पैनल एक उधर लगा है, एक उधर लगा हुआ है, दो इधर लगे हैं। इशू ये है कि वो पहले लगे हुए थे, ये हमने बाद में लगाए हैं, बस इशू यही है। तो अभी इन्हें इधर से उठा के ऐसे अरेंज करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो अरेंज हुए हैं ये वाले ऐसे लगे हुए हैं ना। तो अभी इनको भी हम वैसे ही लगा देंगे। अभी सबसे पहले तो अभी इसे तोड़ते हैं, बाकी इधर डिश वगैरह लगी हुई थी वो मैंने सब कुछ उतार दिया। इन्हें पीछे करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ से इधर को इंशाल्लाह काम करते हैं। अभी फाइनली इसकी डायरेक्शन जो है जो हो चुकी है। तो अभी इसको मैं एक ऐप के साथ चेक करूँगा कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है, कोई किसी जगह से ये टेढ़ी तो नहीं है। तो ऐप का लोगो जो है, ऐप का नेम जो है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, जैसे स्क्रीन पे शो हो रही होगी। बाकी इसको मैं चेक करता हूँ ये हो चुकी है कि नहीं, फिर उसके बाद ये भी लगाएँगे और वो वाले दो पैनल भी लगाएँगे इंशाल्लाह। जब ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो ओके हो चुकी है। ऐप के साथ साथ इसका मैंने कैलकुलेशन लगा के इसे रख दिया है। तो अभी इसकी बारी है, इसे अब नीचे से उखाड़ेंगे। ये बहुत हार्ड होने वाला काम, बिकॉज ऑफ ये पैनल जो है ना ये भाई ने लगाए थे, मेरे बड़े भाई इरफान साहब ने। तो ये बहुत सख्त लगा होगा नीचे से ना, तो इसे उखाड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भाई ने ना इसके ऊपर इतनी कंक्रीट और इतना हैवी वाला बनाया था ना भाई ने, कि ये कभी ख़राब ही नहीं हो सकता। मुझे पता है वो वाला मेरा तो हल्का है ना जो मैंने बनवाया था, ये वाला बहुत हैवी है। और ये दोनों भी बहुत हैवी वाले लगे हुए हैं, इनके नीचे उन्होंने इसने भाई ने पहले कील लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। तो अभी देखते हैं अगर उखड़ता है उखाड़ते हैं तो फिर तो ना तुम्हारे पास आ लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली ये वाले मैंने भी उतरा चुके हैं। इतनी मेरी मेहनत उन तीनों पर नहीं हुई जितनी दोनों पर हो गई है। भाई ने इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया, मतलब हिल भी नहीं रहे थे ये, जहाँ से मैंने उखाड़े हैं सब की हालत देखी। यहाँ पर भाई नीचे कील लगाए हुए थे, चेक करें बड़ी मुश्किल के साथ ना, ये देखे बड़ी मुश्किल के साथ इसको उखाड़ा है, उखाड़ के अभी से यहाँ रखा है। अब यहाँ अभी से कंक्रीट भरेंगे अच्छी तरह इंशाल्लाह। तो अभी बारी आती है ये वाले नॉर्मली ये वाले देखा उखाड़ते हैं और इसी डायरेक्शन में यहाँ पे रखते हैं, और ये वाली छत फारक कर देंगे, साफ़ हो जाएगी ये वाली छत और यहाँ पर सारे पैनल एक छत पर भी आ जाएंगे, फिर मज़ा आएगा ना इंशाल्लाह। तो ये वाले पैनल भी लिए थे तीनों, मैं लगा दूँगा, दो थे एक मैं उतारा हुआ था हवा के लिए और वो वैसे भी शार्ट हो गया था, तीनों तरह यहाँ पे इंशाल्लाह लगा देंगे और ये भी यहाँ पे ओके हो जाएंगे। फिर इन्हें एक दफ़ा केमिकल के साथ वॉश भी कर देंगे, और मैं आपको फिर केमिकल भी बताऊँगा कौन सा केमिकल है किसके साथ वॉश करते हैं। आप भी इसके साथ अपने पैनल को वॉश करें, आपके पैनल के एम्पेयर ज़्यादा होंगे, करंट बहुत ज़्यादा देगा इंशाल्लाह। चेक करना आप अभी, बस थोड़ी सी मेहनत रहेगी। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ आप अपने पैनल जो है किस चीज़ के साथ साफ करना। आपने ले लेना है सरफ, कोई भी सरफ हो जाए ठीक है। सेकंडली अगर आपके पास हो सके तो कंफर्ट डालें, ठीक है, इसके साथ भी काफ़ी शाइनिंग आती है। उसके बाद आपके पास अगर कोई भी ब्लीच हो, ये वाला हो जाए, रेड हो जाए, ये वाला हो जाए जो ज़्यादा हैवी वाला होता है, ये वाला हो जाए, कोई भी अगर आपके पास ब्लीच है तो आपने ब्लीच ले लेना है, ठीक है। उससे एक नॉर्मल से मकदार में जिसने आपके पहना है उस हिसाब से इसको अरेंज कर लें, ठीक है, और इस तरह का एक मिक्सचर बना लें, एक बोतल के अंदर डाल लें, ठीक है। और बोतल के अंदर डालने के बाद उसे शावर करना है, उसके ऊपर शावर करके उसे फिर कपड़े के साथ साफ करना है। अभी आपके साथ में करते हैं। फाइनली गाइस
सारे पैनल जो है अलहम्दुलिल्लाह अरेंज हो चुके हैं साउथ की तरफ। अभी मैं आपको इनको साफ करके दिखाऊंगा जो मैंने आपको केमिकल दिखाया था इंशाल्लाह। या आपने कुछ इस तरह से सबसे पहले इसके ऊपर हला के स्प्रे कर लेनी है, ठीक है, स्प्रे कर लेना। वो मेरा दूसरा शावर ख़राब हो गया इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, जो बड़ा शावर था ना वो ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों चल रहा नहीं रहा। तो इस तरह आपने इसके साथ जो है साफ करते जाना, चेक करें नीचे से कितनी मिट्टी उतर रही है इसके ऊपर से, वैसे ही मिट्टी उतर भी जाएगी और आपका पैनल नया निकलता है। ये देखेंगे इधर से और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा पैनल फड़क पड़ जाता है। जब ऐसे होता है तो पैनल करंट फिर कट कम देता है जब ऊपर मिट्टी डल जाती है। अगर बारिश हो जाए तो क्या बात है, अगर बारिश ना हो तो तकरीबन 10 से 15 दिन बाद आप अपने पैनल को साफ़ किया करें। आजकल तो वैसे भी हमें बिजली की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बिजली जो दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है दिन ब दिन। तो आप इन्हें अच्छी तरह साफ़ करें और इन्हें ही यूज़ करें। ये फाइनली अलहम्दुलिल्लाह चेक करें, सभी पैनल न्यू कर दिए हैं मैंने साफ़ करके चेक करें। तो अब बारी आती है इनके कनेक्शन करने की, तो अभी इनके कनेक्शन करते हैं इंशाल्लाह। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले लेके आते हैं नीचे से बैग, हज़ारों वाला बैग तो लेके आते हैं बैग, फिर सब के कनेक्शन करके इन्हें चला देंगे और फिर जाके नाश्ता करेंगे। 10 बज चुके हैं और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और मैं देखें कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, सारा शहर नज़र आ रहा है हमारे घर से। मेरी जी फाइनली गई, सारे पैनल ओके हो चुके हैं, कनेक्शन हो चुके हैं सबके। तो अभी सुबह 8 बजे से लेके अभी 12 बज चुके हैं, सिर्फ मैंने 10 से 15 मिनट रेस्ट ली थी, एक नाश्ता किया था वो भी 11 बजे करके आया हूँ, तो अभी 12 बज चुके हैं। तो अभी अलहम्दुलिल्लाह सारे पैनल ओके हो चुके हैं और अभी सूरज भी निकल आया है ऊपर, मौसम कुछ ऐसा हो चुका है अभी यहाँ पर। तो अभी चलते हैं नीचे और नीचे MPPT कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। ले जी गाइज, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से काम सारा कंप्लीट करके मैं आ चुका हूँ। सुबह 8 बजे शुरू किया था तो अभी रात के तकरीबन 8:30 हो गए हैं, अभी सारा मैं नहा के फ्रेश हो चुका हूँ, सारा काम कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह मैं आपके लिए दिखा दूँगा कि क्या क्या किया है मैंने। तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ दूध, तो अभी दूध लेने चलते हैं आगे। आपको पता है मैं गाँव से दूध ले कर आता था तो गाँव में अब दूध नहीं मिलता, तो अभी चलते हैं बाज़ार और बाज़ार से दूध ले कर आते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने, वैसे तो मैं दूध लेने जाता था मगरब टाइम, तो आज ना काम करने की वजह से मैं हो गया हूँ लेट। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने, चेक करें मैं बाइक को, आज मैंने वॉश करवाया है, न्यू बनाई हुई है, तो अभी लेने जा रहा हूँ मैं दूध। तो गांव से दूध इसलिए हटाया कि उनकी जो सारी उन्होंने गायें और पैसे जो है सारी सेल कर दी हैं, तो अभी चलते हैं और बाज़ार से दूध ले लेते हैं। फाइनली जी 14 अगस्त के लिए देखें जी, अपना गोजरा कुछ इस तरह का सज चुका है जिसने आज़ादी के लिए माशाल्लाह। ये कमेटी का है TMA हाउस, ये बहुत प्यारा वाला उन्होंने डेकोरेट कर दिया है माशाल्लाह से अपना गोजरा। तो बाकी मैं आपको और भी विजिट करवाता हूँ, जो गोजरे का थाना सिटी वाला है ना, जो देखे इनके प्यारा कितना प्यारा बना दिया बाइक से इन्होंने, बाइक तस्वीरें लगा दी हैं जो शहीद हुए हैं, इतना प्यारा बन चुका है अपना गोजरा माशाल्लाह। तो बाकी दूध मैं ले आया हूँ वो देखें, क्योंकि आज मैं कैन इसलिए नहीं लेके आया कि मैं लेट हो गया तो इसके लिए कैन नहीं ला सका, तो इधर भी इन्होंने सारी वही तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो अभी शहर चलते हैं, शहर वैसे भी मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ से कुछ खाने के लिए लेते हैं तो फिर निकलते हैं घर के लिए इंशाल्लाह। सो फाइनली गाइस, एक दफ़ा फिर से नेक्स्ट गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो सुबह सुबह उठ के मैं ऊपर आ चुका हूँ, मैं उठा हूँ देखा मेरी 4 बजे भी वहाँ पड़ी हुई है, आज मैं ऊपर सोया था। तो अभी सुबह सुबह उठ के मैं आ चुका हूँ, जिस सीमेंट लगाया था कल मैंने जो है कंक्रीट भरी थी वो देखने के लिए, तो सब कुछ होते हैं तो अभी इनको लगाते हैं, पानी लगाते हैं इनको, तो पानी लगा के फिर चलते हैं नीचे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें पानी लगा देते हैं। तो अभी ना जी ऊपर कोई ना टूटी नहीं है हमारे जहाँ से पानी आए, तो मैंने एक जुगाड़ बनाया है नीचे से मोटर को चला के कि जहाँ ओवरफ्लो वाला पाइप होता है वो मैं इधर रख लेता हूँ, उससे जल्दी से पानी आ जाता है और जल्दी से कैन भर जाती है। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का टास्क कंप्लीट हुआ, आज की वीडियो ये मैंने करते हैं और इसी दवा से मैंने करते हैं, आपको तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले न्यू ब्लॉग्स के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।